वेलकम बैक टू माई चैनल एम जे पैशन फॉर फूड। आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत। एंड गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड कुलचा की रेसिपी, जो कि बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे, सॉफ्ट एंड फ्लफी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसे हम बनाएंगे विदाउट अवन एंड विदाउट ईस्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय फ्यूचर अपलोड। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम ले लेंगे मैदा 1 कप, रिफाइंड फ्लावर, उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही 4 टेबलस्पून, और साथ में हम ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो को बहुत ही अच्छे से नीट करना है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा स्टिकी लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से जब आप गूंदेंगे तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। जितना बढ़िया हम इस आटे को नीट करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा कुलचा बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट। इसे अच्छे से देखिए इस तरह से स्ट्रेच कर करके हम 5 से 7 मिनट के लिए गूंद लेंगे। बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ऑयल लगाकर एक बोल में रख देंगे किसी गर्म जगह पे, ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो जाए। 2 घंटे के बाद हम अब इस डो को एक बार दोबारा से अच्छे से नीट करेंगे, ताकि इसमें जो भी एयर है वो सब निकल जाए। अच्छे से मसलने के बाद इसको हम 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और इसकी अच्छी सी एक स्मूथ बॉल बना लेंगे। बॉल पे बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल करेंगे, और एक बॉल को रखकर हम अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से ही इसे फ्लैटन अप कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, कैरम सीड्स एंड कसूरी मेथी, और इसे अच्छे से दबा देंगे, और एक रोलिंग पिन की हेल्प से इसे रोल आउट कर लेंगे। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, गोल, ओवल, जैसी भी आपको पसंद हो। बढ़िया सा कुलचा हमने बेल लिया, देखिए इतना मोटा बेलना है इसे, और उसके बाद इसे गीले कपड़े से ढककर हम रख देंगे। और इसी तरह हम दूसरे कुलचे भी बेल लेंगे सारे। ये कुलचे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड हैं, जैसे कि मटर कुलचा, न्यूट्री कुलचा और स्टफ्ड कुलचा भी बना सकते हैं आप इसका। ये सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसे सेकने के लिए तवे पे डाल देंगे। तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और गैस फ्लेम बिल्कुल स्लो मोड पर ही रखनी है। इसके बाद इस कुलचे के आसपास हम थोड़ा सा पानी को स्प्रिंकल कर देंगे, और इसे कवर कर देंगे एक लिड के साथ। अब इस पानी से जो स्टीम बनेगी उसमें ये कुलचा जो है बहुत ही बढ़िया से फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। मेक श्योर कि गैस फ्लेम बिल्कुल भी तेज ना हो, अदरवाइज इस पे गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे, और हमें गोल्डन मार्क्स इसमें बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। देखिए ये एक तरफ से अच्छे से पक गया है। अब हम फिर से पानी स्प्रिंकल करेंगे, और इसे ढक के अच्छे से 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे, ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। और देखिए ये बढ़िया सा कुलचा बनकर तैयार हो चुका है। कितना अच्छा सॉफ्ट फ्लफी कुलचा, बिल्कुल मार्केट जैसा, वो भी बिना अवन एंड बिना ईस्ट के। इसी तरह हम बाकी के सारे कुलचे भी बना लेंगे। आप इन कुलचों को बना के 4 से 5 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको खाने हो तब इन्हें अच्छे से तवे पे सेक के क्रिस्पी करके जिस तरह से हमें बाजार में मिलते हैं उस तरह से सर्व कर सकते हैं। आप इन कुलचों को अवन में भी बेक कर सकते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए कितने बढ़िया और सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो चलिए अब मैं एक कुलचे को आपको सेक के दिखाती हूँ। तो हम तवे पे थोड़ा सा बटर डाल लेंगे। बटर के साथ ये कुलचे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उस पर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया, और उसके बाद इस कुलचे को हम इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। देखिए कितना बढ़िया बन गया है ये, और इसे मैं सर्व करूँगी मटर की चाट के साथ। ये सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, रेफरेंस के लिए लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
आप इसे ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।